नमस्कार दोस्तों, आपका द हिंट में स्वागत है। दोस्तों, लोकतंत्र की ताकत से किसी का गला घोटा जा सकता है क्या? लोकतंत्र की ताकत से किसी व्यक्ति को उलाया जा सकता है क्या? एक व्यक्ति एक साल पहले हंसकर और ये कहता हो कि एक अकेला सफर भाई, उसको लोकतंत्र की ताकत से उलाया जा सकता है। हाँ, हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी आज रो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरा गला घोटा जा रहा है, मेरे को बोलने नहीं दिया जा रहा। तो एक साल पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि एक अकेला सब पर भारी है। क्या आज इतना मजबूत हो चुका है विपक्ष? आज ऐसे कौन से नेता आ चुके हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलने नहीं दे रहे? क्या विपक्ष ने वो नेता बाहर से बुला लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलने नहीं दे रहे? हो सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के समय से पहले कहते थे कि कौन राहुल, आज वही राहुल बोलने नहीं दे रहा उनको। क्या उस राहुल गांधी में इतनी शक्ति आ गई कि वह प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दे रहा, प्रधानमंत्री का अपमान कर रहा है? सोचना हो राहुल गांधी को, क्या वह प्रधानमंत्री का अपमान कर सकते हैं इस तरह? क्योंकि पहले 10 साल सत्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी को नहीं बोलने दिया था, तो उसका गिन गिन के हिसाब ले रहे राहुल गांधी। राहुल गांधी अकेले नहीं, पूरा इंडिया गठबंधन विपक्ष पूरा हमलावर है मोदी पे। मोदी को छोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, वह जहां दुलाई करने का मौका मिलता है वहां मोदी की दुलाई करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 फरवरी 2023 को ये बात बोली थी कि एक अकेला सब पर भारी, चेहरे पे मुस्कान थी और हंसकर बोले थे विपक्ष की तरफ हाथ करके कि एक अकेला छाती ठोकर सब पर भारी है। क्या एक साल बाद इतना मजबूत हो गया विपक्ष कि मोदी जी को आज गला घोटा जा रहा है? मोदी जी खुद कह रहे हैं कि मेरा गला घोटा जा रहा है, मेरे को बोलने नहीं दिया जा रहा। मैं 2-2.5 घंटे बोलने का प्रयास किया तो मेरे बोलने नहीं दिया गया। बोलने इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि जवाब नहीं थे इनके पास। जो विपक्ष ने जवाब सवाल उठाए, जिन्होंने पेपर लीक का मुद्दा उठाया, जिन्होंने आम लोगों के मुद्दे उठाए, उसके पास मोदी के पास या भारतीय जनता पार्टी के पास उन सवालों से कोई जवाब नहीं थे, कैसे बोलते? उस वजह से ये आज बोल रहे हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। बोलने में 10 साल बहुत बोले थे, 10 साल में इतना बोले कि विपक्ष की कोई बात नहीं सुनी आपने। आपको वो दौर याद हुआ, वह भी समय याद हुआ जब आपने 146 सांसदों को संसद भवन से बाहर निकलवा दिया था। समय याद है मोदी जी किस बात के लिए बुलाया था? संसद के अंदर कुछ घुसपैठिए घुसकर उन्होंने थोड़ी गैस फैला दी थी, और उसके बाद जब विपक्ष ने कहा कि आकर आप यहां बोलिए, जवाब दीजिए हमें, तो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह जी और न्यूज पेपर में तो अपनी इंटरव्यू दे रहे हैं, अपने मन पसंदा अपने जो आजीज है उन चैनलों को इंटरव्यू दे रहे, पर संसद के अंदर आकर नहीं बोले। जब राहुल गांधी और विपक्ष ने कहा कि आप मणिपुर के पे बोलिए, मणिपुर जाइए, तो राहुल गांधी के इस बयान पे उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। उसको मोदी नहीं बोले, क्यों बोलेंगे? प्रधानमंत्री है देश के, उनकी गरिमा कम नहीं हो जाएगी बोलेंगे तो? पर ये बात आज मोदी को याद है, उस लोकतंत्र की ताकत से आज रो रहे हैं कि मेरे को बोलने नहीं दिया जा रहा। मोदी जी का तो 56 इंच का सीना है, कहां गया 56 इंच का सीना? क्या आज 56 इंच का सीना 56 सेंटीमीटर का हो चुका है? हो सकता है, क्योंकि 56 इंच के सीने वाले व्यक्ति को इस तरह से रुलाना कोई आम बात नहीं है। ये तो कहते थे कौन, राहुल गांधी। राहुल गांधी को चुनाव से पहले कहते थे कि अपनी उम्र से ज्यादा सीटें नहीं ला सकते, वह राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनकर पहुंचे। अकेले राहुल गांधी नहीं, अखिलेश ने इनको कसर नहीं छोड़ी, वो भी ऐसी ऐसी बातें उनके सामने रख रहे हैं कि उन्हें ना तो मुंह छुपा पा रहे ना कुछ बोल पा रहे, और बोलते हैं तो जवाब मांगते हैं तो कहते हैं मेरा गला घोटा जा रहा है। आपने देश का गला घोटा था 10 साल, आपने 10 साल विपक्ष का गला घोटा था, आपने 10 साल में किसी विपक्ष के नेता को नहीं बोलने दिया गया, क्योंकि विपक्ष का काम होता है कि आपसे सवाल पूछे, आपने किसी को सवाल नहीं पूछने दिया गया। जिसने आपसे सवाल पूछने हिम्मत जुटाई उसको आपने लोकसभा से बाहर निकाल दिया, और आप कहते हो हमारा गला घोटा जा रहा है। ये गला इसी तरह घोटा जाएगा अगले 5 साल तक, जब तक आपकी सरकार रहेगी इसी तरह से आपका गला घोटा जाएगा और गला घुटता रहेगा, क्योंकि विपक्ष का साफ है कि भाई आपसे सवाल करेगा, और आपसे सवाल करेगा तो आपका गला घोटा जाएगा। सारी बातें एक साइड रखकर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहूंगा कि आप जब एक साल पहले हंस हंसकर बोलते थे संसद के अंदर
एक अकेला भारी, हमने खाते चीज हो गए, इनका ये हो गया, इनका फिलाना हो गया, इनका भीकरा हो गया, आज कहां गए, आज आप क्यों रो रहे हो? जब आप कहते थे कि विपक्ष रो रहा है, कमजोर है, रो रहा है, क्या आप कमजोर हो, रो रहे हो? ताकत लीजिए मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हो, कमजोर नहीं हो सकते, दुगनी ताकत से जवाब दो, और राहुल गांधी को भी जवाब दो और विपक्ष को भी जवाब दो कि कैसे वो सवाल आपको उठा रहे हैं, उन सवालों में जवाब देकर ताकत दिखाओ कि हमारे अंदर हमने काम किए हैं, वरना लोकतंत्र की ताकत आपको बख्शेगी नहीं, छोड़ेगी नहीं। क्योंकि आपने कहा कि लोकतंत्र के अंदर मेरे बोलने नहीं दिया जा रहा, लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, हर व्यक्ति का अधिकार आपने छीने हैं, व्यक्ति के अधिकार छीने हैं, उनको बदलवा लिया जाएगा, उन अधिकारों में वापस किया जाना पड़ेगा, आप उन अधिकारों में वापस करोगे वरना आपका भी गला घोटा जाएगा, आपसे भी अपने अधिकार छीने जाएंगे, क्योंकि आपने लोगों को दबाया है, लोगों को कुचला है। क्या आप इसी तरह की राजनीति करते हो, इस तरह की राजनीति चाहते हैं? पर इस तरह की राजनीति नहीं होगी, क्योंकि अब की बार विपक्ष मजबूत है और आपको बहुमत नहीं है, आपको 400 या 300 सीटें होती तो आप फिर से इस तरह करते और आपका गला नहीं घोटा जाता, क्योंकि आपको बहुमत नहीं मिला, आपको पूरी सीटें नहीं मिली, इसलिए आपका गला घोटा जा रहा है। हो सकता है अगले 5 साल इसी तरह आपका गला घोटा जाए। आम लोगों की इस मुद्दे पे क्या राय है, कमेंट बॉक्स में, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब एंड फॉलो कीजिए। धन्यवाद।